के नाम में सबक जय यीशु। मेरा नाम हर्षिता जॉर्ज है और मैं लखनऊ से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं सबसे पहले साइमन भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ प्रभु के वचनों को बांट सकूँ। मैं साइमन भैया से 2018 में मिली थी जब वो लखनऊ आए थे हम सभी यूथ्स का सेशन लेने, और तब से मैं सर्वेंट्स ऑफ जीसस की पार्ट हूँ। सर्वेंट्स ऑफ जीसस का पार्ट होना मेरे लिए एक सौभाग्य है ताकि मैं प्रभु यीशु के लिए काम कर सकूँ। धन्यवाद साइमन भैया फिर से कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं प्रभु का वचन सबके साथ बांट सकूँ। तो आज का जो विषय है वो है चिंता। क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि हम चिंता क्यों करते हैं? ताकि हम पे कोई मुसीबत ना आए, ताकि हम हर एक मुसीबत से दूर रहें। पर क्या आपको पता है कि चिंता कौन उत्पन्न करता है? शैतान। जी हाँ, शैतान हमारे मन में चिंता उत्पन्न करता है ताकि हम प्रभु यीशु में विश्वास ना करें और उनसे दूर रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता करते हैं, या जो हो चुका है उसकी चिंता करते हैं। उससे क्या होता है कि जो अभी चल रहा है हम उसमें नहीं जी पाते। पर प्रभु यीशु इसाह 41:13 में बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिनी हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देखिए प्रभु यीशु ने कितने सुंदर तरीके से हम सभी को बताया है कि मत डरो क्योंकि वह हमारे साथ है, चिंता मत करो क्योंकि वह हमारे लिए ढाल बन के खड़े हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब हम चर्च जाते हैं तब हम विश्वास के साथ जाते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उनका महिमा गान करते हैं। पर क्या हम प्रभु के वचनों को असल जिंदगी में ग्रहण कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम सबों ने अपने आप को इतना घेर लिया है कि प्रभु में विश्वास करने के बजाय हम चिंता करने लगते हैं। जैसे हाल ही में एक बीमारी आई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जो इंसान के शरीर को नष्ट करती है। इस बीमारी ने हम सबों को इतना डरा के रखा हुआ है कि हम चिंतित रहते हैं, डरते हैं ताकि चिंतित रहते डरते ताकि हम सेफ रहें, ताकि हम एकदम बचे रहें इस बीमारी से। पर क्या चिंता करने से कोई फ़ायदा है? चिंता करने से क्या होता है? प्रभु में विश्वास हम खो देते हैं। प्रभु में विश्वास खोने का मतलब है कि हम प्रभु से दूर हो गए, इस सांसारिक चीज़ों में हमने अपने आप को व्यस्त कर लिया है, चिंताओं में व्यस्त कर लिया है। जैसे मैंने अभी बताया कोरोना वायरस। एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे अगर कोई परेशानी आती है, प्रभु में विश्वास करने के बजाय हम चिंता करते या तो उसे एक दूसरे में मिलवाट के ख़त्म कर देते, उससे क्या फ़ायदा? क्या हम प्रभु यीशु के करीब आ पाए उसके वजह से? नहीं आ पाए हम। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हम सभी सांसारिक चीज़ों में इतना घुल मिल गए हैं कि हम प्रभु से दूर हो चुके हैं। पर प्रभु यीशु हमको भजन संहिता 91 पद संख्या 3 से 4 में कहते हैं, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है,
तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच। प्रभु यीशु कितने सुंदर तरीके से हम सबों को आश्वासन दिला रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई भी चिंता हो, मैं तुम्हारे लिए ढाल बन के खड़ा हूँ। जब प्रभु यीशु हमको अपने वचनों द्वारा इतने सुंदर तरीके से हमको आश्वासन दिला रहे हैं, तो हम चिंतित क्यों हैं? हम प्रभु से दूर क्यों जा रहे हैं? सोचिए। मैं अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सांसारिक चीज़ों में अपने आप को व्यस्त मत करिए, क्योंकि वह हमको प्रभु यीशु से दूर करता है। बल्कि प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, ताकि हम प्रभु यीशु के करीब आ सके, और एक दूसरे को साहस दीजिए कि हम सभी प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े, चिंतित ना होए। क्योंकि अगर हम चिंतित होए तो शैतान अपने कार्य में सफल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि प्रभु में विश्वास करिए, उनके वचनों को पढ़िए। धन्यवाद।